हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में छो ने? तो बंसीधर विद्यालय में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आप विषय है गणित धोरण 7 प्रकरण 11 परिमिति और क्षेत्रफल। तो यहाँ आप गया वक्त दाखला जोया था, आ वक्त बीजा दाखला जो अपने प्रश्न बीजो है। एक लंबचोरस कागड़नु क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वेर है। 500 सेमी स्क्वेर एटले 500 चौरस मीटर सेमी है। जो तेनी लंबाई 25 सेमी होय, एनी लंबाई केटली 25 सेमी होय, तो तेनी पहोळाई केटली हशे ते कागळनी परिमिति पण शोधो। वे आपणे ने कागळनुं क्षेत्रफळ आपी दीधुं छे। शुं आपी दीधुं छे? क्षेत्रफळ। वे क्षेत्रफळ एटले शुं तमने खबर ज छे? तो वच्चेनो भाग जे छे एने क्षेत्रफळ कहेवाय। हवे एनुं क्षेत्रफळ आप्युं छे, हवे आपणे शोधवानुं छे शुं? पहेलुं तो एने लंबाई शोधवानी छे। क्षेत्रफळना आधारे जो क्षेत्रफळनुं सूत्र आवडतुं होय तो आपणे एनी लंबाई शोधी शकी। जो लंबाई मळी जाय तो पछी आपणे शुं शोधवानुं छे? परिमिति। तो पहेलो क्षेत्रफळ केटलुं आप्युं छे? लंबचोरस कागळनुं क्षेत्रफळ 500 लंबाई आपी छे। लंबाई शोध, लंबाई छे 25 बराबर। लंबाई 25 ने पहोळाई आपणे शोधवानी छे, अने पहोळाई आपणे शोधवानी छे बराबर। पहोळाई आपणे आपी नथी, तो पहोळाई नु पहोळाई। हवे ध्यान दियो, तमे समीकरण शीखी गया छो। पहोळाई अहींया 25 छे ए गुणाकारमां छे बराबर ने? आ बाजू आवे तो क्या थई जाय? भागाकारमां। तो शुं थई जाय? 500/25 बराबर पहोळाई। हवे ध्यान दियो, 500 छे 25 वडे उड़ी जशे। 25 × 20 એટલે 25 દુ કેટલા થાય? 50। જો તમને આવી રીતે ડાયરેક્ટ કરી શકો છો, સરખું જેમ સમજો, 500 × 25 25 દુ કેટલા થાય? 50। 50 ઉડી ગયા, એકલા વધ્યા, બે એકલા વધ્યું, સૂડ્યા, તો પહોળાઈ કેટલી મળે? એટલે અહીં ટોટલ 20 વધે છે। પહોળાઈ બરાબર 20 સેમી, પહોળાઈ 20 સેમી મળી ગઈ। હવે આપણે શું શોધવાનું કીધું? હવે એની પરિમિતિ શોધવાની છે। કેની પરિમિતિ? લંબચોરસની। તો લંબચોરસ કાગળની પરિમિતિ परिमिति बराबर बे काउंस में लंबाई प्लस पहोड़ाई। तो अपने लंबाई केटली आपी छे? लंबाई आपी छे अपने ने 25। पहले बेना बे राखी और बेना बे लंबाई केटली आपी छे? 25। अने पहोड़ाई केटली मळी अपने ने? 20। बेना बे 25 ते 20 केटला थशे? 45। 45 × 2 केटला थशे? 90। તો આપણે એની પહોળ પરિમિતિ પણ મળી ગઈ 90 સેમી। તો લંબચોરસ કાગળની પરિમિતિ કેટલી મળે છે? 90 સેમી મળે છે। એના પછીનો દાખલો જોઈએ આપણે। તો રકમમાં સરખું ધ્યાન દેજો। અનુ તેના ઘરની સામેના બાગની ફરતે વાડ કરવા માંગે છે। તો અનુનું ઘર છે એની સામે એને વાડ કરવી છે, બાગની ફરતે વાડ કરવા માંગે છે। તેની 3 બાજુઓની લંબાઈ 20 મીટર, 12 મીટર અને 12 મીટર છે। મીટરના રૂપિયા 150 પ્રમાણે વાડ કરવાનો ખર્ચ શોધો। તો જો એક અનુનું આવી રીતે ઘર છે બરાબર, આ છે અનુનું ઘર, એની સામે એટલે ઘરની સામે આવી રીતે બાગ છે, આવો બાગ છે। હવે બાગની ફરતે 1, 2 અને 3 આ 3 બાજુ એને વાળ કરવી છે। શું કરવી છે? વાળ। આ બાગની 3 બાજુ ફરતે વાળ કરવી છે, એનું આપણે માપ આપ્યું છે। લંબાઈ કેટલી આપી છે? તો એની લંબાઈ 20, તો આ 20 હશે અને આ 12 મીટર અને આ પણ 12 મીટર બરાબર। તો આ રીતે આપ્યું છે ને, આ રીતે આની ઉપર આપણે શું કરવાનું છે? વાળ કરવાની છે। મીટરના રૂપિયા 150, 1 મીટરનો ખર્ચ કેટલો થાય? વાળ કરવાનો 1 મીટરનો ખર્ચ 150 પ્રમાણે વાળ કરવાનો ખર્ચ શોધો। તો વાળ આપણે
कर खर्चो शोधवा माटे शुं शोधवुं पड़े? पहले आपणे शोधवी पड़शे परिमिति, कारण जेटली परिमिति हशे एटली वाळ थशे, बराबर। तो आपणे पहले बागनी परिमिति जोईए, आपणे पहले शुं शोधवुं पड़शे बागनी परिमिति। तो त्रण बाजु छे, जो चार बाजु नथी, बराबर, त्रण बाजु, एक बे त्रण, त्रण बागनी परिमिति, बागनी परिमिति बराबर। तो केटली त्रण बाजु छे ने, तो त्रणे त्रण बाजुनो सरवाळो, त्रण बाजुना मापनो सरवाळो। तो त्रण बाजु केटलू छे? तो कई बार प्लस वीस प्लस बार, तो बार ने बार केटला थाय? चौबीस, चौबीस ने वीस केटला थाय? चुम्मालीस। तो आनु परिमिति केटली आवी? चुम्मालीस मीटर। तो भागनी परिमिति केटली मळे छे? चुम्मालीस मीटर। परिमिति बराबर चुम्मालीस मीटर, एनी परिमिति चुम्मालीस मीटर छे। हवे एक मीटर नो खर्च केटलो छे? एक सौ पचास रुपया। तो चुम्मालीस मीटर नो केटलो थाय? तो बागनी फरते वाड करवानो खर्च बराबर चुम्मालीस गुणिया एक सौ पचास रुपया। चुम्मालीस मीटर गुणिया केटला करी छे? एक सौ पचास। तो चालो, एक सौ पचास नो घड़ियो आवड़े छे ना, चुम्मालीस नो घड़ियो आवड़े छे ना, तो पंदर नो घड़ियो आवड़े, तो आपणे गुणाकार तो थई शके। तो पंदर चौक साठ, पहले शून्य ने भूलिए, पंदर चौक साठ, साठ नू शून वधी एवी छ, पंदर चौक साठ, साठ ने छ केटला थाय? छसठ। पाछू मींडू याद करी लियो, केटला थाय? छ हजार छसो रुपया थशे। तो चुम्मालीस गुणिया एक सौ पचास करी, चुम्मालीस मीटर छे अने एक सौ पचास रुपया छे, एक मीटरना केटला खर्च जे पचास, एक सौ पचास रुपया। तो चुम्मालीस मीटरना केटला थाय? छ हजार छसो ने पचास। तो बाग करवानो खर्च केटलो थाय? छ हज़ार छसो ने छ हज़ार छ छसो रुपया थाय।